कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी के दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण को जनसंपर्क द्वारा फैलने से रोकने हेतु 30 मार्च 2020 से राजस्व विभाग के अधीनस्थ समस्त न्यायालयों जिनमें नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक तथा चकबंदी विभाग के समस्त न्यायालयों की कार्यवाही को बंद किए जाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन वर्तमान में गृह गोपन अनुभाग 3 के निर्गत शासन देश के अनुसार सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत समस्त राजस्व न्यायालयों तथा चकबंदी न्यायालयों की कार्यवाही आगामी दिनांक 22 जून 2020 से पुनरुप्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन जनपद में बढ़ती कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए 30 जून के बाद कोर्ट खुलने की उम्मीद है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजनीकांत मिश्र एवं पूर्व महामंत्री रविन्द्र श्रीवास्तव ने कहा, राजस्व न्यायालयों में आदेश आया है कि 22 जून के बाद समस्त राजस्व न्यायालय और चकबंदी के न्यायालय में जो है कार्रवाई शुरू हो, नायब तहसीलदार स्तर से लेके राजस्व परिषद तक के सभी न्यायालय जो है कार्रवाई शुरू करें। लेकिन इस संबंध में अभी वर्तमान समय में मौजूदा जिलाधिकारी महोदय का ये आदेश है कि 30 जून के बाद जो है वह कार्य होगा, क्योंकि क्लाइंट्स को प्रॉपर जानकारी नहीं है और उस गाइडलाइन का जो है प्रयोग करते हुए जल्द ही न्यायालय का कार्य। आइए आपका स्टेटमेंट हो रहा है। ऐसा है कि कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च से जो है लगातार लॉकडाउन होते होते जो है अभी 30 जून तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस बीच प्रमुख सचिव द्वारा एक आदेश आया है जिसके तहत 22 जून से न्यायालयों में कार्य होना है। राजस्व न्यायालयों में नायब तहसीलदार से लेकर के जिलाधिकारी स्तर तक तथा चकबंदी न्यायालयों में भी कार्य करने का आदेश आ गया है। आज से कार्य शुरू होना था, कुछ न्यायालयों में पतालियाँ रोकी भी गई थी, लेकिन परिस्थिति यह बनी है कि अभी बाध्यकारियों को इसकी प्राप्त सूचना नहीं है, जिसके कारण अभी इसको पेपर्स में 2 दिन 1 दिन दे दिया जाए ताकि सभी बाध्यकारियों को पता चल जाए कि राजस्व न्यायालयों में कार्य शुरू हो गया है, तत्पश्चात कार्रवाई प्रारंभ किया जाए। देखिए ऐसा है कि सुरक्षा के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके तहत यह दिया गया है कि न्यायालयों के प्रवेश द्वार पर जो है स्क्रीनिंग मशीन लगाई जाए और सभी न्यायालयों को सैनिटाइज कराया जाए। लेकिन जहां तक हमको जानकारी है अभी इस कलेक्ट्रेट प्रांगण में जो है ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई है, जबकि मई के प्रथम सप्ताह से ही यहाँ पर रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया है और रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो जाने के कारण जो है यहाँ पर भारी मात्रा में जनता आती है, बाध्यकारी आते हैं, लेकिन न तो यहाँ पर हाथ धुलने के पानी की व्यवस्था है और न ही यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है और न ही कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और न ही स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था इस प्रांगण में नहीं है। जो है अचानक बाध्यकारी आएंगे, भीड़ बढ़ेगा न्यायालय परिसर में और अधिवक्ता भी संक्रमित हो सकते हैं उनके साथ साथ, तो इसके लिए अधिवक्ता संगठन आपका संगठन क्या करेगा? हमारे संगठन ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस बारे में 1 जून को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मान्यवर यह कैंपस में विभिन्न लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, हर वर्ष से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है कुछ हाथ धुलने की मशीनें लगाई हैं, लेकिन वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, हाथ धुलने की व्यवस्था नहीं है, कोई स्क्रीनिंग व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, वह भी गाँव से लोग आ रहे हैं, उस पर कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं।